जहाँ 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का अमृत उत्सव धूमधाम से मना रहा था, वही कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारी बवाल हुआ है। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर लगाए जाने के कारण हुए बवाल के बाद वहां के गांधी बाजार में एक हिंदू व्यक्ति को चाकू घोंपे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की पहचान प्रेम सिंह के तौर पर हुई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक की पहचान 25 साल के नदीम के तौर पर हुई है और दूसरे की पहचान अब्दुल रहमान के तौर पर हुई है। वही तीसरा आरोपित सोमवार की देर शाम हिरत थल्ली रोड पर गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपित को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो कि उसके पैर में लगी। उसका नाम जबीउल्लाह बताया गया है। आपके स्क्रीन पर जबीउल्लाह की तस्वीर चल रही है। यह मुख्य आरोपित है। प्रेम सिंह को चाकू घोंपने का आरोप इसी पर है। उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस पर जबीउल्लाह ने हमला किया था, इसी वजह से पुलिस को जवाबी कार्रवाई में बंदूक चलानी पड़ी। कथित तौर पर प्रेम सिंह एक कपड़े के स्टोर में काम किया करता था। घर आते समय 15 अगस्त को उनके ऊपर हमला हुआ। स्थानीय अस्पताल में प्रेम सिंह का इलाज चल रहा है। पुलिस कह रही है कि अभी हमले का कारण साफ नहीं है, लेकिन जबीउल्लाह भी अब अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है और प्रेम सिंह को 3 लोगों ने चाकू घोंप दिया, लेकिन मुख्य आरोपी जबीउल्लाह को बताया जा रहा है। तो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारी बवाल हुआ है। भारी बवाल के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है। धारा 144 लागू है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।